आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव सिकंदरपुर पट्टी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर तो ब्लॉक से 25 किलोमीटर है। 1000 वोट और 3000 जनसंख्या वाले इस गांव की कमान सुंदर सिंह के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। बताते चलें कि प्रधान पद पर न रहते हुए भी सरकार की योजनाओं का लाभ इन्होंने गांव तक पहुंचाया है। ग्राम प्रधान सुंदर सिंह और सचिव योगेंद्र सिंह दोनों ने मिलकर स्कूल के सौंदर्यकरण सहित सड़कों का भी काफी निर्माण कराया है। इनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। चार वर्षों में इन्होंने क्या क्या विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के सिकंदरपुर पट्टी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं होली की आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपने चैनल की टीम की तरफ से, और मेरी तरफ से भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने अपने गांव में करवाए हैं? देखिए, 4 साल का कार्यकाल हमारा बीत चुका है और हमने गांव में जो विकास कार्यों की एक कार्य योजना तैयार की थी, तो हमारी प्राथमिकता पर सबसे पहले शिक्षा थी और स्वास्थ्य, जिसमें हमने अपने गांव के जो इंडिया मार्क हैंडपम्प थे जी, वो लगभग सारे हैंडपम्पों का हमने चेकअप कराया, पानी का चेकअप कराया और हमने प्राथमिकता के आधार पर जिनका TDS पानी का जब नापा गया तो 700 से 800 तक हैंडपम्पों का पाया गया था जी। तो मैंने वो सारे हैंडपम्प रिमूव कराए और अब उसका जो है पानी नॉर्मली उसका TDS 200-250 के आसपास, अब पानी लगभग काफी हद तक शुद्ध यहाँ लोगों को मिल रहा है जी। और सारे नल हमारे व्यवस्थित है और चालू जी। हम पानी के स्तर पर कभी भी कोई कोताही नहीं बरते। जब नल हमारा खराब होता है तो हम गांव वालों के डिमांड पे है उसमें फौरनी तौर पर कार्रवाई करते हैं, उसे दुरुस्त कराते हैं। ODF ग्राम पंचायत हो चुकी है पूरी, ODF ग्राम पंचायत हमारी हो चुकी है और हमने 16 में ODF शुरू किया था जी, और हमने 17 में ODF लास्ट तक कर दी, कंप्लीट हो गया। आवास मिले हैं हम लोगों को? यहाँ आवास मिले हैं जो हमारी BPL की सूची के अंतर्गत जो आवास आए थे 2011 जी, उसके हिसाब से हमारे मात्र 5 आवास हमें स्वीकृत हुए थे और 5 आवास हमने सरकार की, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाता है? देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो कनेक्शन कराए थे तो हमने BPL सूची में जितने नाम थे उन्हें निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए थे और बाकी हमारे यहाँ लगभग आज कनेक्शन 90% परिवारों में कनेक्शन है। जी, और स्थिति है कि बिजली के जो कनेक्शन है सौभाग्य योजना के अंतर्गत वो भी हमारे 95% परिवारों में कनेक्शन कर चुके हैं जी। किसानों को सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि में हमारा भेजी गई और जो हमारे प्रस्ताव के माध्यम से गई, लेखपाल जी के माध्यम से गई, उसमें पूरी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कुछ आंशिक लोग ऐसे रह गए हैं जिनके की आधार कार्ड कुछ कागजी कागजी कार्रवाई में जो दोस्ती चल रही है वो रह गए हैं और बाकी हमारा जो कार्य है सम्मान निधि का उसका लाभ सब लोगों को मिला है जी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन, क्या ये बने हुए हैं गांव में? देखिए, मैंने बारात घर के लिए भी प्रयास किया है, उसमें हमें भूमि उपलब्ध अभी हुई नहीं है और पंचायत भवन है वो जर्जर स्थिति में है बिल्कुल, जिसमें बैठने लायक नहीं है, उसमें मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अभी हमें ऐसा हमको लगा नहीं कि हम उसमें जो है इतनी बड़ी धनराशि दाखिल कर सकें, क्योंकि वो बिल्कुल ही खंडर स्थिति।
नव निर्माण वहाँ पर होना है जी। शमशान घाट है, शमशान घाट हमारे यहाँ भी था नहीं, जगह नहीं थी, लेकिन मैंने उसे प्रस्ताव करके और गांव वालों ने उसमें सहयोग किया है, प्रस्ताव में ग्राम समाज में उसको प्रस्तावित करा रखा है और हमारी डिमांड भी है कि अब हम कार्य योजना में शामिल है। हो सकता है कि हम अपनी निधि से या किसी और शासन की जो निधि हमें मिल सके उससे हम उस कार्य को पूरे कराने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर कितने परिवार अभी ऐसे बाकी होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? मेरे गाँव में जो मैंने सर्वे कराया था तो लगभग अभी जो मेरी दृष्टि से है 20-22 परिवार के आसपास में अभी ऐसे हैं जिसमें मैंने मुख्यमंत्री आवास के लिए उनको चिन्हित भी किया है। हाँ, उनको आवास मिल रहा है। रास्ते पूरे पक्के हो गए हैं गांव में? रास्ते हमारे लगभग 95% रास्ते पक्के हैं, 95% पक्के हैं, 5% में हमारा काम जो है चल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ जो भी रहे बचे हुए कार्यक्रम में लगभग उम्मीद है कि पूरे हो जाएंगे, वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे जी। आप अपने गांव को और सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से करना चाहेंगे? देखिए हमारी कई मांगे ऐसी हैं जिनमें मैं प्रयासरत हूँ। मैंने अभी पीछे कुछ जनप्रतिनिधियों से मैंने बात की थी, मैंने कहा ये क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वैसे पिछड़ा हुआ नहीं है लेकिन केवल भौगोलिक दृष्टि से है जहाँ पे रामगंगा और गंगा नदी दोनों बहती हैं और यहाँ शिक्षा का जो स्तर है अभी इंटर कॉलेज यहाँ पे है नहीं, 10 किलोमीटर से पहले का, तो उसके लिए भी प्रयास है और मैंने एक उसके लिए प्रयास किया है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र के लिए मैं प्रयास रखूं और उसमें ग्राम वासियों की मदद से मैंने एक नंबर गांव का ग्राम समाज का गांव वालों ने स्वेच्छा से उस भूमि को देने की व्यवस्था भी की है और वो प्रस्तावित भी भूमि कर खादी उद्योग आप यहां पर जो है चालू करना चाहते हैं? जी जी अपने स्तर पर? नहीं नहीं अपने शासन के स्तर पर, शासन अपने तरफ से यहाँ पर कोई ऐसा केंद्र खोल दे जो यहाँ के युवाओं को और दूसरी दूर भटकना ना पड़े, तो उसके लिए मैंने प्रस्तावित सूत्र कर दिया है वो हमारे प्रस्ताव में। और ये थोड़ा सा समस्या रहती है पशुओं की जो समस्या है इसके लिए भी गौशाला के लिए भी हमने अपने ग्राम समाज से कुछ भूमि ग्राम पंचायत के माध्यम से उसके लिए भी एक नंबर प्रस्तावित गांव वालों ने करवाया, उसके लिए भी आपकी कोशिश जारी है, कोशिश है जिससे कि आवारा पशु जो है खेती में नुकसान ना कर सके, ये हमारा प्रयास है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इस गांव में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, आवास निर्माण, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, यहाँ पर स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि 12 घर या पंचायत भवन जिसकी हालत काफी जर्जर है, जिसे नव निर्माण की आवश्यकता है, इसके लिए प्रधान मांग रखते हैं। इसके अलावा प्रधान की जो भरपूर कोशिशें हैं ग्राम प्रधान की, यहाँ पर जो एक खादी उद्योग यहाँ पर वो चाहते हैं कि शासन या प्रशासन की मदद से यहाँ मुहैया हो जाए, जिससे यहाँ युवाओं को रोजगार भी मिले और लोगों को काफी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा काफी कोशिशें इनकी जारी हैं अपने गांव को आधुनिक बनाने में, यहाँ ये चाहते हैं कि सरकार इनकी पूरी मदद करे जिससे ये अपने गाँव वालों के लिए और अपने गाँव के लिए और ज्यादा विकास करने की जो है क्षमता रखते हैं। अशरफ अली के साथ में नाजरीन चलाओ। आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हैं? मैं प्रधान अध्यापक पद पर। अच्छा, यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के, जो स्कूल में क्या क्या प्रधान द्वारा क्या क्या विकास हो रहा है? ग्राम प्रधान जी के सहयोग से हमारी 4 दीवारी हुई, 4 दीवारी के बाद ये इंटरटॉल टाइल्स लगवाई गई, टाइल्स लगवाने के बाद सब इसमें टाइल्स लगवाई गई, टाइल्स लगवाने के बाद खुदाई रंगाई वगाई ये सब करा के प्रधान जी सहयोग जी से ये हमने कार्य किया। पूरा समय देते हैं ग्राम प्रधान विद्यालय में? हाँ, पूरा समय देते हैं। एक तो एक चीज़ मतलब उनकी देख रेख में लगाई जाती है, क्योंकि वो उनका वो अपना घर समझते हैं, मैं भी इसे अपना घर समझता हूँ, प्रधान जी भी इसे अपना घर की तरह ही इसका देखभाल करते हैं।